ये देखिए दोस्तों, अभी नीचे आ चुके हैं। यहाँ है दादी और यहाँ फुआ मुंह छुपा रही है। यहाँ बैठ के क्या चीज कर रहे हैं बताइए? रोड का हवा खा रहे हैं। दोस्तों अभी निकल चुके हैं बाजार के लिए और देख सकते हैं यहाँ से हमारे गांव का जो मेन बाजार है वो स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं बंगाली में हटिया। घर में थोड़ा पनीर बनाना था, ये देखिए सारा मटेरियल तैयार है। कौन बनाए बताइए तो? हम के पापा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी 11 बज रहा है, हमारा ब्लॉग यहाँ चालू हो रहा है। तो दोस्तों आज जान रहे नवरात्र चालू हो गया है हमारे यहाँ। बगल में मंदिर है, बहुत सारे लोगों का आना जाना चालू हो गया रोड पे। तो आज मेला के नाते हम भी थोड़ा सा अपना लुक चेंज कर लिए, थोड़ा बाल वगैरह डाई कर लिए हैं। आप लोग भी देख सकते होंगे कल का ब्लॉग में, आज भी थोड़ा सा चेहरा चेंज है मेरा। तो यहाँ गाँव घर है ना, थोड़ा मेला लगता है अभी 9 दिन, तो मेला अभी घूमेंगे अभी 9 दिन। शाम को 3-4 बजे चालू हो जाता है। दोस्तों अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, अभी जा रहे हैं थोड़ा मार्केट में। कुछ कुछ पापा को भी सामान लेना है और हमको भी लेना है। हमको तो भाई गमछा छोटा पड़ रहा है, सारा जो गमछा वाला सब गाड़ी में ही रह गया। कुछ तो है रामगढ़ में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, छोटा पड़ रहा है। तो इसलिए जा रहे हैं थोड़ा घर के पीछे में ही बाजार लगता है सप्ताह में 2 दिन, एक रविवार का दिन एक बुधवार का दिन। तो आज का दिन लगा हुआ है, हम चलते हैं जाके थोड़ा गमछा वगैरह अपना लुंगी लेके आते हैं कुछ पहनने के लिए, और देखते हैं क्या मिलता है। सब्जी वगैरह तो माँ खुद ले आती है जाकर के, वो सब तो हमको लाना नहीं है। दोस्तों अभी निकल चुके हैं बाजार के लिए और देख सकते हैं यहाँ से हमारे गांव का जो मेन बाजार है वो स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं बंगाली में हटिया। तो दादी जब भी आती है सब्जी लेने तो यहीं पे लगता है, तो यहीं पे आती है। ये दोस्तों गाँव के एकदम सटा हुआ मार्केट है, यहीं पे जब भी कोई भी गाँव वाला आता है तो यहीं पे आता है। ऐसे थोड़ा दूर उधर जाना पड़ता है हम लोग के लिए, जो बड़ा मार्केट है। ये अभी हम लोग छोटे वाले मार्केट में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ टोकरी वगैरह सब कुछ मिल रहा है और यहाँ पे मिलता है सेकंड हैंड कपड़ा। यहाँ पे जो यूज़ कपड़ा रहता है वही सब मिलता है। अब इस वाले रास्ते में हम चलेंगे मेन वाले मार्केट में, जो बड़ा मार्केट लगता है वहाँ पे। ये दोस्तों अभी हम लोग मेन मार्केट में आ चुके हैं और देख सकते हैं रास्ता इतना पतला है और फिर भी यहाँ अगल बगल में इतना दुकान लगता है। मतलब दोस्तों अभी तो यहाँ पे भीड़ नहीं है लेकिन जब शाम होगा तब देखिएगा बहुत जल्दी यहाँ जाम लग जाता है। छोटे ही गाड़ी में इतना जाम लग जाता है कि बड़े गाड़ी जाने का बहुत मुश्किल होता है। पनीर कैसे है? पनीर 340 किलो दे रहे हैं। यहाँ लड्डू भी देखिए कितना अच्छा अच्छा लड्डू है, लेना लड्डू। दूसरा मीठा लेंगे लड्डू के। पनीर भी दोस्तों यहाँ पे, तो पनीर आज ले जाएंगे। नवरात्रि के टाइम है तो लड्डू प्रसाद के लिए चढ़ता ही है, लड्डू तो बनता ही है। अभी दोस्तों बाजार तो आए थे कपड़ा लेने के लिए, लूंगी अपना, लेकिन आने के बाद जब मीठा दुकान दिखा तो ले लिए थोड़ा गेठिया वगैरह, पनीर ले लिए और नमकीन वगैरह ले लिए। और लेने का कारण इसलिए है कि जैसे हम लोग तो बाहर बहुत खा लेते हैं, और गांव घर में माँ बाहर निकलती नहीं है, गांव में वही खाना बनाओ खाओ वही। तो इसीलिए का हमका भी मन करता है कि घर का बूढ़ा बुजुर्ग भी कुछ खाए तो अच्छा लगता है। हम लोग बाहर निकलती नहीं है, कुछ ले नहीं पाती है, इसीलिए करके कोई त्यौहार हो तबे खाती है। तो हम लोग हैं तो हमारा ही मन किया कि चलो अब आए हैं बाजार तो कुछ लेके जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों अभी जाएंगे, पहले लूंगी लेंगे फिर घर पहुंचते हैं। अभी दोस्तों आ चुके हैं लुंगी लेने। लुंगी तो नहीं मिला, गमछा ही ले रहे, बड़ा साइज वाला। कहाँ पड़ेगा? 75 एकदम बढ़िया चीज़ आप लीजिए ना, उसके बाद एकदम सॉफ्ट है। दोनों सेम है कि छोटा छोटा बड़ा? थोड़ा सा हाफ पैंट है मेरा, हाफ पैंट ठीक है। दोस्तों सामान तो हो गया मेरा, दोनों गमछा हो गया और कुछ लिए हैं खाने पीने का। अब तो जानते हैं नवरात्र चालू हो गया, अब तो हम लोग का सब बंद हो गया। तो पनीर वगैरह वही सब। अब ये सब क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत दिन बाद गांव आए हैं तो माँ भी सब खाती नहीं है, तो हम लोग बना के देंगे। वो देखती है वीडियो में तो बोलती है कई बार हम लोग पनीर कैसे बनाता है इसे, तो आज माँ को ही बना खिलाएंगे। क्योंकि पनीर वगैरह माँ लोग खाती नहीं है, कहाँ जाएगी लोग उतना बूढ़ा आदमी लोग। तो ठीक है दोस्तों अभी जाएंगे घर, आज रात में पनीर का ही प्लान है, पनीर ही बनाएंगे।
दोस्तों हम लोग घर आ चुके थे और खाना वाना खा के फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि दोपहर में तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, सब लोग गांव में सो ही जाते हैं। मतलब जो बाहर काम करने जाते हैं वो लोग करते हैं काम, लेकिन गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग दोपहर में सो जाते हैं। दादी फुआ भी सोई हुई थी तो हम लोग भी सो गए थे। तो अभी दोस्तों शाम हो गया है और 5 भी बज चुका है, और शाम में दिखाते हैं दादी क्या करती हैं। शाम में दोस्तों दादी यहाँ बाहर बैठ के ये देखिए, मतलब दोस्तों शाम में दादी और फुआ बाहर ऐसे बैठ के, मतलब जितने भी और बगल के लेडीज़ लोग हैं, औरत लोग हैं, वो लोग आके बैठ जाती है और हमेशा शाम में ऐसे ही, मतलब 2-3 घंटा ऐसे ही बैठ के लोग बात करते रहती है एक दूसरे का घर के बारे में, ये वो वही सब बात होता है। फिर जैसे अंधेरा था फिर दादी अंदर आ जाती है, मतलब शाम होते ही दादी द्वार पर बैठ जाती है और इधर आते जाते लोगों से बात करते रहती है, यही मतलब दादी का काम है शाम में। ये देखिए दोस्तों अभी नीचे आ चुके हैं, यहाँ है दादी और यहाँ फुआ मुँह छुपा रही है। यहाँ बैठ के क्या चीज कर रहे हैं बताइए? रोड का हवा खा रहे हैं। देखिए और दादी को बुला रही है। तो आप लोग यहीं पे बैठ के टाइम पास करते हैं ना शाम में? तो मंदिर में जाइए, वहाँ मंदिर पास तो बैठ सकते हैं ना, अभी पूजा स्टार्ट होगा कि नहीं? जाएंगे रे, रुको, दिया बत्ती बरेगा, मतलब घर में शाम दिखाने के बाद जाते हैं वहाँ ना। तो यहीं पे दोस्तों दादी बैठती है और भी आंटी जी लोग आती है, सब लोग अभी जा रहे हैं मंदिर। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो गया है और हम लोग अभी सभी लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में क्या हो कि अभी आरती का टाइम हो गया, तो कीर्तन वगैरह भी सब कुछ आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी गांव के जितने भी हमारे लोग हैं सभी लोग, अभी दादी भी गई हुई है कीर्तन में, तो चलिए दोस्तों अभी हम और पापा भी जा रहे हैं कीर्तन में और आप लोग को दिखाते हैं कि मतलब यहाँ पे जामतड़ा में रामनवमी कैसे मतलब शाम में कीर्तन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। दोस्तों अभी तो घर आ चुके हैं मंदिर से, भीड़ धीरे बढ़ ही रहा है और हम लोग आ गए अभी घर पे, पनीर बनाना था थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अभी हमको नहीं आना था। ये देखिए सारा मटेरियल तैयार है और ये सब अभी तेल मेरा गर्म हो रहा है, अब निकालेंगे तल के बनाते हैं पनीर। घर पे बहुत दिन से बनाए नहीं है और मसाला भी मेरा मिक्सर है, मसाला भी पीस के तैयार है। दोस्तों आज फर्स्ट बार हम जामतड़ा घर में पनीर बना रहे हैं। दोस्तों तो आप लोग जानते ही हैं कि पहले इसको तल के निकालना पड़ता है और बहुत आदमी तो ऐसे ही डाल देता है सफ़ेद ही, लेकिन हम तो तल के निकाल देते हैं। तो तेल तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा जल्दी ही हो रहा है, ठीक है निकालते हैं इसको पहले तल के। ये देखिए दोस्तों हल्का हल्का लाल हो गया, अब इसको निकाल दे रहे हैं, ज़्यादा कड़ा भी नहीं, तो ज़्यादा कड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है। दोस्तों पनीर तो तल के निकाल लिए हैं, अब चले इसका मसाला तैयारी करने। ये देखिए थोड़ा सा शिमला मिर्च और इसमें प्याज, प्याज थोड़ा कम ही रखे हैं, रखने के कारण है कि इसका जो तरी बनेगा उसका मटेरियल दूसरा है, तो प्याज तो थोड़ा सा और कम ही रखते, लेकिन कट गया ज़्यादा कट गया तो चलो यूज कर लेते हैं, नहीं तो इसका तो मेन तो तरी देखिए इधर रखा हुआ है। इसमें काजू किशमिश और मगजदाना पोस्ता सब दे के उसको पीसा गया है, तो देखिए इसका लाल होने के इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट आए थे कि मेरा जो 80-13 पुराना गाड़ी था तो वो कौन चला रहा है, तो उसी ड्राइवर गाड़ी तो हम लेकर के आए थे होली के टाइम में, तो वही उसी का गाड़ी लेकर के हम आए थे इधर, और मेरा गाड़ी वो लेकर चला गया था महाराष्ट्र, तो अभी वही ड्राइवर चला रहा उस गाड़ी को, और मेरा गाड़ी जो था उसमें दूसरा ड्राइवर आ गया है। तो हम छुट्टी के लिए अप्लाई किए थे
छुट्टी तो मेरा बोल ही दिए थे। आप लोग भी देख रहे हैं कि घर में काम है तो फिर छोड़ के जा नहीं सकते हैं ना। और लड़का लोग भी, सागर मेरे साथ रहता है, सौरभ तभी देख ही रहे, उम्र उसका कम है, तो वो सब भी कराना जरूरी है। तो छोटा मोटा कोई काम है नहीं, घर बन रहा है बड़ा, तो उसके लेके थोड़ा देखना पड़ता है कहाँ से क्या निकालना है, सीमेंट कहाँ सा डालना है, छड़ कौन सा डालना है। कुछ दोस्त यार का भी दुकान है तो हम फेस टू फेस होते हैं तो लोग हमको पहचानता है, लड़का लोग को पहचानता नहीं है, थोड़ा सा रेट में फ़र्क पड़ जाता है। ये सब होता है कि चेहरा फेस होने से रेट में फ़र्क पड़ता है, तो इसी लेकर थोड़ा अभी है, अभी देखते हैं अभी कब तक थोड़ा सा काम चालू हो जाए घर का, उसके बाद फिर गाड़ी तो चलाना है ही है, अपना तो काम ही वही है कि ड्राइवरी करना, तो गाड़ी तो चलाना है ही है। तो ठीक है दोस्तों, अभी छुट्टी लिए हैं, थोड़ा छुट्टी मारते हैं अभी, और थोड़ा बहुत ये अभी जो अभी हम मनोरंजन के लिए अपना शौक जो है मेरा थोड़ा बहुत खाना उना का, तो कई तो मेरा दोस्त यार लोग का भी डिमांड होता है कि अपने हाथ से मुर्गा बना खिलाओ, तो ये खिलाओ। अभी गांव आए हैं तो माँ लोग भी कहते हैं कि गाड़ी में तुम एक से एक चीज़ बनाता है, थोड़ा घर में भी बनाओ, तो हमको चलो ठीक है फुर्सत में है तो बना ले रहे हैं अभी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो सारा चीज़ जुगाड़ है, मिक्सर वगैरह सब है यहाँ, तो बना रहे हैं अभी। दोस्तों प्याज में देखिए लाल हो चुका है, अब चले इसमें डालने के लिए हल्दी, ये हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा लाल मिर्चा पाउडर। अब चले इसमें थोड़ा टमाटर डाल रहे हैं, थोड़ा टमाटर हल्का ही डाल रहे हैं क्योंकि टमाटर भी गल जाए, ऐसा नमक डाल देंगे तो टमाटर गल जाएगा। ये चले नमक इसमें स्वाद अनुसार, ये टमाटर लगभग गल चुका है मेरा। अब चले इसका ये मटेरियल जो तैयार था ये भी डाल दें, अब ये देखिए अच्छी तरह से पूरा मिला देते हैं इसमें। यही इसका मेन तरी है इसका, इसमें आप लोगों को दिखा दिए थे, काजू है, बादाम है, मगजदाना है, पोस्ता है, इसका मेन तरी यही होता है। इस टाइप का दोस्तों हम बहुत पहले बनाए थे, एक बार होली का टाइम था, काफ़ी साल हो गया, तो फिर हमको कोई मौका ही नहीं मिला, कभी गाड़ी में ये सब मिलता नहीं है मिक्सर वगैरह, तो घर में भी सब सीख गया था, तो घर में जब भी बनाता तो इस टाइप को बनाने लगा था, हमको कभी मौका नहीं मिला, तो आज मौका मिला है, तो देखिए आज टाइप के घर में बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा पनीर का तरी तैयार हो चुका है, ये देखिए थोड़ा प्याज मिर्चा जो गोटा रखे थे अब इसमें चले पनीर डाल लें, इसको कम से कम 10 मिनट इस क्या है ना कि पनीर के अंदर पूरा तरी चला जाएगा तो उसका मजा ही कुछ और आएगा। दोस्तों हमारा पनीर का सब्जी बन गया है, चले खाने के लिए, देखिए माँ भी लेके बैठी है खाने के लिए, टेस्ट कीजिए बताइए। बढ़िया बना है ना, कौन बनाया बताइए तो, हम के पापा तुम बनाए पापा बनाए पापा पापा बनाए, दादी सो गई थी दोस्तों इसलिए दादी को पता नहीं कौन बनाया, अच्छा लग रहा है ना। हम भी बनाते हैं, पोहा खिलाए थे, पोहा अच्छा लगा कि ज्यादा अच्छा लगा बताइए, अच्छा लगा। अभी है ना, अभी और बहुत कुछ बना बना के खिलाएंगे आपको, देखिएगा। दोस्तों खाना तो हो गया अपना, अभी तो सोने का टाइम था, लेकिन हम लोग का नवरात्र चालू है, तो बचपन में हम कीर्तन देखते थे, एगो मोंटू दास बोल के हैं बहुत मशहूर, अभी थोड़ा सा उम्र हो गया उनको, बुढ़ा हो गए थोड़ा सा, लेकिन जा रहे हैं उनका भी देखने के लिए, हम बचपन में ही देखे थे उनको हम, तो उनका नकल हम लोग करते थे बचपन में, तो वहीं जा रहे हैं, पता चला कि आज मोंटू दास का ही कीर्तन है, तो हम जा रहे देखने के लिए क्योंकि हमको वो सब अच्छा लगता है, बचपन में ही देखे थे। ठीक है दोस्तों हम जा रहे थोड़ा कीर्तन सुनने के लिए, तो काफ़ी रात हो जाएगा आने में, तब तक हुसैन सागर सो जाए। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।